हम तो इसलिए मंदिर नहीं आते क्योंकि मंदिर में लोग बात बात पर झगड़ते हैं। कभी अध्यक्ष मंत्री झगड़ते हैं तो कभी पूजन करने वाले। कई स्थानों पर तो प्रवचनकार पंडित ही झगड़ पड़ते हैं कि प्रवचन कौन करेगा। मानो मंदिर धर्म के स्थान ना होकर अपनी इज्जत बढ़ाने के स्थान बन रहे हैं, इसीलिए हम मंदिर नहीं आते। हमारी समझ में आ गया है कि मंदिर ना जाने के संबंध में हमारी सोच गलत थी। हमें औरों से क्या लेना देना, हम तो मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे। हम तो आएंगे ही, अपने अन्य मित्रों को भी साथ लाएंगे। जैन डिजिटल पाठशाला। पंडित भोला राम जी मंदिर से आकर बाहर बरामदे में खुली हवा में बैठे हुए थे। घर में उनका पोता चैतन्य, जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसके मित्र सनत, समकित, अमोल आए हुए थे। उन्होंने चैतन्य से कहा, यार अपने दादाजी से मिलवा दो ना। चैतन्य के मित्र सभी जैन ही थे पर मंदिर नहीं आते थे, इसलिए उसने मित्रों से कहा, अगर आप दादाजी से मिलोगे तो वो मंदिर आने व पाठशाला में आने के लिए कहेंगे। अरे हम मंदिर मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, इसमें तो हम किसी की बात नहीं मानते। चलो देखते हैं तेरे दादाजी क्या कहते हैं, जो भी कहेंगे हम अपनी अक्ल लगाकर कोई ना कोई उत्तर दे ही देंगे। और जैसे आज तक बचते रहे हैं वैसे ही देखना आज भी बच निकलेंगे। आज मेरे मित्र दादाजी से मिलकर निश्चित ही मंदिर तो आने लगेंगे ही। मित्र कितनी भी अक्ल लगाए पर दादाजी के आगे किसी की अक्ल काम नहीं करती, आखिर दादाजी किसके हैं? यह सोचते हुए चैतन्य को हंसी आ गई। उसे हंसता देख सनत बोला, हंस क्यों रहे हो, क्या हमारी अक्ल पर भरोसा नहीं है? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही हंसी आ गई थी, चलो दादाजी के पास चलते हैं। चैतन्य अपने मित्रों के साथ वहाँ आया। वह दादाजी से बहुत खुलकर बात करता था और दादाजी भी हंसी मजाक के साथ चैतन्य से मिलते थे, समयानुकूल धर्म चर्चा भी करते थे। चैतन्य और उसके मित्रों ने आते ही दादाजी के चरण स्पर्श करते हुए जय जिनेन्द्र की। सभी को प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हुए भोला राम जी बोले, बेटा ये सब कौन है, इन पहलवानों का परिचय तो कराओ। दादाजी ये मेरे मित्र है सनत, समकित और अमोल, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। दादाजी आप यहाँ अकेले चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे बेटा अकेला कहाँ हूँ, मैं तो अपने आचार्यों से फोन पर बात कर रहा हूँ। दादाजी आपके हाथ में फोन या मोबाइल तो है ही नहीं, फिर फोन पर कैसे बात कर रहे थे? बेटा जब तुम इस माचिस की डिब्बी जैसे मोबाइल से बात करते हो तब तुम्हारे फोन में तार दिखता है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो बिना तार का मोबाइल है और मेरे फोन का तार तो क्या फोन ही बिना दिखने वाला है। मैं अपने आचार्यों द्वारा बताए गए सिद्धांतों को समझ रहा था, इसमें किसी बाहर के फोन की आवश्यकता ही नहीं है। बेटा ये तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ पाठशाला में तो आज तक कभी दिखे नहीं, ये लोग आते क्यों नहीं? यह सुनते ही सब समझ गए कि अब पंडित जी मंदिर आने के लिए ही बात कर रहे हैं। सब सजग हो गए कि कुछ भी हो जाए अपने को तो इनकी बातों में नहीं आना है। चैतन्य जवाब दे उससे पहले ही अमोल बोला, दादाजी हम तो इसलिए मंदिर नहीं आते क्योंकि मंदिर में लोग बात बात पर झगड़ते हैं, कभी अध्यक्ष मंत्री झगड़ते हैं तो कभी पूजन करने वाले। कई स्थानों पर तो प्रवचनकार पंडित ही झगड़ पड़ते हैं कि प्रवचन कौन करेगा। मानो मंदिर धर्म के स्थान ना होकर अपनी इज्जत बढ़ाने के स्थान बन रहे हैं, इसीलिए हम मंदिर नहीं आते। अमोल की तार्किक बात सुनकर सब मित्र मन ही मन उसकी अक्ल पर प्रसन्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया हो। हाँ बेटा ये बात तो तुम सही कह रहे हो, ये मंदिर जो धर्म स्थान है उसे कुछ लोग युद्ध स्थान बना देते हैं, धर्म की चर्चा ना करके धन के लिए उलझने लगते हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए ही बहुत से लोग काम करते हैं, ऐसे कार्य करना बहुत गलत बात है, ऐसे वातावरण में मंदिर में मन नहीं लग सकता। तुम्हारी शिकायत बहुत हद तक सही है, मैं भी इसे अच्छा नहीं समझता, पर सारे समाज को कौन बदल सकता है। आचार्यों ने भी कहा है, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अर्थात अन्य स्थान घर दुकान आदि में किए गए पाप तो
मंदिर में आकर मिटा सकते हैं, परंतु जो मंदिरों तीर्थों पर ही पाप करते हैं वो तो वज्रलेप जैसे हो जाएंगे, उनका मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बेटा मंदिरों को तो धर्म स्थान ही बने रहने देना चाहिए। अरे चलो छोड़ो मंदिर और पाठशाला की बातें, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में तो पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? सभी मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि अमोल ने मंदिर नहीं आने का तर्क देकर दादाजी को चुप कर दिया और मुस्कुराते हुए चैतन्य की ओर देखा, जिसका भाव था कि देख हमने तेरे भोले दादाजी को बहका दिया ना। जी दादाजी, हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, अब तो परीक्षाएं आने वाली हैं। अब बहुत अच्छा बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ो। अब बेटा, अब मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे कॉलेज में लड़के झगड़ पड़े थे और चुनाव के चक्कर में गोली तक चल गई थी। हाँ दादाजी, कॉलेज में कुछ लड़के तो केवल राजनीति व मस्ती ही करने आते हैं, विद्या के स्थान को ये लड़के अपनी गंदी सोच से राजनीति व झगड़े का अड्डा बना देते हैं। और कुछ दिन पहले तुम्हारे प्रोफेसर भी झगड़ पड़े थे, अब मुझे तो इस चैतन्य ने ही बताया था। दादाजी, उन लड़कों को भड़काने वाले ये प्रोफेसर ही तो होते हैं जो अपनी पार्टी की राजनीति इन लड़कों के माध्यम से चलाते हैं, इसीलिए वे भी बाह चढ़ाए घूमते रहते हैं। आजकल महाविद्यालयों का वातावरण बहुत बिगड़ गया है। ये बात तो है बेटा, जमाना बहुत खराब हो रहा है, पर हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्यों बेटा? अरे हाँ, तुम्हारे पापा तो दुकान करते हैं ना? हाँ दादाजी, कपड़े की बड़ी दुकान है। हाँ कपड़े की दुकान, कपड़ा बाजार में भी तो अभी कुछ दिन पहले गुंडागर्दी हो गई थी ना, क्या हुआ था? वो चाकू वाकू चल गई थी, अरे बाजार भी बंद रहा। हाँ दादाजी, क्या करें, पुलिस सब बदमाशों से मिली रहती है, उनका ही राज चलता है। 2 दिन बाजार बंद रखा तब वे बदमाश पकड़े गए। समकित, अमोल, सनत समझ रहे थे कि पंडित जी के चंगुल से बच गए, पर चैतन्य को विश्वास था कि दादाजी का एक सूत्री कार्यक्रम है, जो मिले उसे किसी भी तरह स्वाध्याय से जोड़ना। आज तक तो वह अपने मिशन में असफल नहीं हुए, पर वह देख रहा था कि आज के इन जवानों को दादाजी किस तरह पराजित करते हैं। क्यों बेटा, जब तुम्हारे कॉलेज में छात्रों में इतने झगड़े होते हैं और प्रोफेसर भी आपस में लड़ते हैं, तब तो तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया होगा। नहीं दादाजी, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें उन लड़कों और उन प्रोफेसरों से क्या लेना देना, उनका फल वे भोगेंगे, हमें तो अपने काम से मतलब। अगर हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, उल्टा हमारा ही भविष्य खराब हो जाएगा। शाबाश बेटा, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल सही है, हमेशा ऐसा ही पॉजिटिव सोचना चाहिए। बेटा संकेत, बाजार में झगड़ा हुआ था तो अब तो तुम्हारे पिताजी ने वहाँ से दुकान बंद कर दी होगी। दादाजी आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे दुकान बंद करने लगे तो किसी भी बाजार में दुकान ही नहीं कर पाएंगे। बाजार में तो क्या, ऐसे झगड़े घर में भी हो जाते हैं, तो कोई घर तो छोड़ नहीं देता, ये सब तो चलता ही रहता है। बेटा कुछ भी कहो, तुम हो तो बहुत होशियार, तुम बच्चों ने शहर का पानी पिया है। हाँ पंडित भोलाराम शास्त्री। अरे मैं तो ठहरा गांव का गंवार आदमी, इसलिए मैंने इतनी अकल कभी नहीं लगाई। संकेत तुमने बिल्कुल सही कहा, छोटे मोटे झगड़ों से कॉलेज बाजार घर थोड़े ही छोड़े जाते हैं। समकित अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। इतने में पंडित जी बोले, पर बेटा एक बात समझ में नहीं आई, कॉलेज में लड़के और प्रोफेसर झगड़ते हैं तब भी तुमने कॉलेज नहीं छोड़ा, अपने काम से काम रखा और पढ़ाई पर ध्यान दिया, बाजार में हुए झगड़े पर तुम्हारे पिताजी ने दुकान बंद नहीं की, सावधानी रखते हुए दोबारा चालू कर दी, तुमने कहा घर पर भी झगड़े होते हैं तो घर नहीं छोड़ते, तो फिर बेटा मंदिर में कभी झगड़े हो भी गए तो इस कारण तुमने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? यहाँ क्यों नहीं सोचा कि उस झगड़े का फल उनको ही मिलेगा? हम क्यों मंदिर और स्वाध्याय छोड़े, इसमें तो अपना ही बुरा होगा, हमें तो अपने दर्शन पूजन स्वाध्याय करने से मतलब, जो ना समझे तो ना समझे। कुछ ना समझो के चक्कर में तुम्हारे जैसे समझदारों ने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? बेटा तुम सब समझदार हो, घर जाकर सोचना कि तुमने सही किया या गलत। सारे लड़के जो भोला राम जी को भोला समझ रहे थे, उनकी तर्क शक्ति के सम्मुख एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अरे दादाजी, घर जाकर क्या सोचना,
हमारी समझ में आ गया है कि मंदिर ना जाने के संबंध में हमारी सोच गलत थी। हमें औरों से क्या लेना देना, हम तो मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, जिसे जो करना हो उसकी वो जाने, क्यों दोस्तों? सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शाबाश बेटा, शाबाश। हमें खुशी है कि मेरे पोते के पास तुम्हारे जैसे समझदार दोस्त हैं। तो बेटा, रविवार को जैन डिजिटल पाठशाला में आओगे ना? दादाजी पक्का, हम तो आएंगे ही, अपने अन्य मित्रों को भी साथ लाएंगे। ओके ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दादाजी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हम सारा पैसा अपने ही काम में नहीं लेंगे, पाठशाला चलाने, एनिमेशन वीडियो बनाने में भी दान करेंगे।